अस्सलाम वालेकुम, आई एम हुमा ज़हीर, वेलकम टू माई चैनल। आज जो डिश हम बनाने जा रहे हैं उसका नाम है मटन कढ़ाई। इसको बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो हम देखेंगे। पहले मैंने आधा किलो मटन लिया, ठीक है, और उसको मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने उबाल लिया, ठीक है। उबालते वक्त मैंने 1 से 1.5 प्याज, गरम मसाला और 1 बड़ी इलायची, ठीक है, ये डालकर मैंने इसको उबाल लिया। ये इसकी ब्रॉथ मैंने रख ली क्योंकि जब बनाते वक्त मैं इसको ऐसा पानी के तौर पे इस्तेमाल करूँगी, ठीक है। इसके अलावा जो है हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें है ऑयल, ठीक है, ये 2 से 3 बड़े चम्मच है, हसबे ज़रूरत ऑयल ले ली, ठीक है। नमक हसबे ज़ायका, लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, लेकिन मैंने जो है वो 1 से 1.5 चम्मच लिया है, ठीक है। ये टीस्पून है, मैंने ये बड़ा टेबल स्पून ही लिया, ठीक है। हल्दी जो है 1/2 चम्मच, धनिया पाउडर जो है कूटा हुआ धनिया जो है ये मैंने दिया है 1/2 चम्मच, ठीक है। ये मैंने कढ़ाई मसाला मेरा अपने खुद का बनाया हुआ है, ठीक है। इसके लिए मैंने क्या किया हुआ है कि लाल मिर्च मैंने दी है, इसके अंदर हल्का सा नमक डाला हुआ है, ज़ीरा है, धनिया है, उसके अलावा मैंने दालचीनी ली है और बड़ी इलायची, ठीक है। इन सबको मैंने लेकर इसके रोस्ट करके जो है इसके बाद मैंने इसे ग्राइंड किया हुआ है, ठीक है। ये लाल मिर्च जो बड़ी वाली हमारे पास होती है ना, जो क्या कहते हैं उसे, मोटी लाल मिर्च जो है वो, लेकिन सब चीज़ों को मैंने रोस्ट करके मैंने इसको ग्राइंड कर लिया, ठीक है। इसके अलावा और जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है उसमें है टमाटर, मैंने 2 टमाटर लिए हैं, ठीक है, मीडियम साइज़, हरी मिर्च ली है, अदरक का पेस्ट लिया है, लहसुन का पेस्ट लिया है, धनिया और पुदीना गार्निशिंग के लिए और अंदर डालने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक बर्तन लेंगे, ठीक है, उसके अंदर मैं डालूंगी ऑयल, कुकिंग ऑयल डाल दिया, ठीक है मैंने, क्योंकि मैं प्याज पहले यूज़ कर चुकी हूँ तो इसलिए मैं प्याज इसके अंदर ऐड नहीं करूँगी, ठीक है। उसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी ये टमाटर, ठीक है, टमाटर डाल दिया मैंने इसके अंदर, अब मैं इसके अंदर टमाटर डालूंगी, ठीक है, ये थोड़ा सा हम सोते करेंगे तो ताकि ये जो है थोड़े से नरम हो गए, फिर हम आगे जो है इसको मैं कवर अप कर दूंगी, ठीक है, ताकि, और हाँ आँच में हल्की कर दूंगी ताकि इसके अंदर क्या होगा ये सोते हो जाए, आँच लेकिन बिल्कुल हल्की कर दूंगी इसकी, अब मैं मीन वाइल क्या करूँगी कि ये मेरे पास दही है, इसके अंदर मैं ये सारे मसाले जितने भी मसाले हैं ना मैं इस दही के अंदर डाल के इसको मिक्स अप कर लूँगी, ठीक है। ताकि एक पेस्ट सा बन जाए। मैंने मीन वाइल क्या किया कि मैंने दही जो मेरे पास 2 से 3 टेबल स्पून थी, ठीक है, उसमें मैंने क्या किया कि जितने भी मेरे पास मसाले थे वो मैंने ऐड ऑन करके एक मिक्सचर सा बना लिया, ठीक है, ये देखिए एक मिक्सचर सा बन गया, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, मेरे पास मसालों का मिक्सचर बन गया, अब हम देखेंगे कि हमारा ये जो हमारे टमाटर जो है वो नरम हो गए, नरम हो गए तो हम इसका एक पेस्ट सा बना लेंगे, ठीक है। पेस्ट बन गया है, बस थोड़ा सा मज़ीद इसको हम करेंगे ताकि ये बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बन जाए और हमें ये जो है ना इसके कोई चंक्स वगैरह जो है ना वो नज़र ना आए, ये पेस्ट अच्छा लगता है इसलिए इसके अंदर थोड़ा सा। अब इसी के अंदर मैं क्या करूँगी, हो गया जो मैंने पेस्ट बनाया हुआ था, अब ये वाला जो मेरा पेस्ट मैंने अपना बनाया था दही के अंदर वो मैं इसके अंदर ऐड ऑन कर दूँगी, ठीक है। इससे क्या होगा कि
इसके में जो कलर है वो आ जाएगा। अब इसके अंदर मैं डालूंगी ये अदरक और लहसुन का पेस्ट, ठीक है। तो मैं अपने हाथ ही इस्तेमाल कर लेती हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट, ठीक है। ये डाल के मैं इसे मिक्सचर करूँगी ताकि ये जब अदरक और लहसुन की थोड़ी अच्छी सी धीमी सी खुशबू आना शुरू हो जाए ना, तो फिर मैं इसके अंदर मटन ऐड कर दूँगी, ठीक है। इसी दौरान में ये जितने भी हमारे पास जो थोड़े से चंक्स नज़र आ रहे हैं इसके टमाटर के, उसको भी रेडी करती जाऊँ ताकि मुझे ये चंक्स जो हैं वो ना नज़र आए, क्योंकि आपको पता है कढ़ाई में जो है वो बिल्कुल टमाटर जो है वो बिल्कुल नज़र नहीं आता, ठीक है। थोड़ा ऐसे थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर दूँगी। ओके, ये अब मेरा देखिए एक बड़ा स्मूथ सा मेरा मिक्सचर बन गया, ठीक है। इसमें अब मेरे टमाटर बिल्कुल जो हैं वो पिस गए हैं, ठीक है। एक स्मूथ सी कड़ी जो है वो बन गई है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर क्या ऐड करूँगी, मैं इसके अंदर ये जो मटन है ये मैं ऐड करूँगी, ठीक है। और इसे अच्छे तरीके से भूनूंगी ताकि जो मटन की एक स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो मैं इसे ज़रा अच्छे तरीके से भूनती हूँ, तेज़ आँच थोड़ा सा थोड़ी सी आँच जो है वो थोड़ी सी तेज़ कर ली, उस थोड़ा सा कि मैं प्याज पहले ऐड कर चुकी थी, लेकिन अगर आप प्याज पहले ऐड नहीं करते इसे करते हुए बॉईल करते हुए, तो आप प्याज पहले ऐड कर लें, ठीक है। उसके बाद फिर टमाटर ऐड ऑन कर लें, क्योंकि मैं भूनते वक्त प्याज ऐड कर चुकी हूँ, इसलिए मुझे इनकी दोबारा प्याज डालने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं प्याज नहीं डाल रही हूँ। और मैंने ये जो चिकन ब्रॉथ रखा था, ठीक है, सॉरी मटन ब्रॉथ, इसे मैं हल्का हल्का इसे इस्तेमाल करती रहूँगी, ये डालती रहूँगी इसे और भूनती रहूँगी, ठीक है। अंडे और अंडे जो है मेरे पास बड़ी अच्छी सी जो है वो अच्छे तरीके से भून नहीं जाता, ठीक है। बहुत आसान है, बिगनर्स के लिए इतना टफ नहीं है, बहुत लोग बहुत से तरीक़ों से बनाते हैं, ठीक है। लेकिन मैं बड़ा इजी स्टाइल में बनाती हूँ, क्योंकि मुझे जो है ना कुकिंग मुश्किल स्टाइल में पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं ज़रा इजी स्टाइल रखती हूँ, तो इसलिए मैंने ज़रा इजी वे में जो है वो बनाया है। वैसे तो मैं ये सारा काम प्रेशर कुकर में कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें ये होता है कि आपने जल्दी जल्दी बनाया और सब कुछ अंदर डाल के भी बना लेती हूँ, इसका एक और ये तरीका भी है। लेकिन ये कि ये सेकेंड डे था तो मैंने कहा ये भी ऐसा आम है तो मैं ये शेयर कर लेते हैं आप लोगों के साथ, ठीक है। अब मैं ये जो ब्रॉथ है ये ऐसा ऐसा डालती जाऊंगी और इसको जो है भूनती जाऊंगी। ये मैंने इसका जो ब्रॉथ रखा हुआ था वो मैंने डालकर
इसको भूनती भी हूँ ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए और जितनी भी हमारी स्मेल है ये मटन की वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, अब मैं चाह तो मुझे इसी के अंदर ये हमने तब तक भूना है जब तक मुझे इसकी थोड़ी सी ऑयल ऊपर आता नज़र नहीं आता तब तक इसे मैं घसीलूँगी। ठीक है, फिर मुझे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ऑयल नज़र आना शुरू हो जाएगा तब मैं इसको ढक दूँगी ताकि अच्छा सा ऑयल हमारे ऊपर आ जाए और ये हमारी जो डिश है वो मुकम्मल हो जाए। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या करूँगी, मैं इसके अंदर सब्ज़ मिर्च ऐड कर दूँगी। ठीक है, मैं सब्ज मिर्च ऐड कर दी, मैं थोड़ा सा पुदीना ऐड इन कर दिया और मैंने थोड़ा सा धनिया जो है वो ऐड इन कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। हमारा धीमी जो है ऑयल ऊपर आना शुरू, हमारी जो तरी जिसे कहते हैं वो आना शुरू हो जाएगा तो इसका मतलब है कि हमारी डिश जो है वो रेडी हो गई है। ठीक है, अभी हम जो है इसके तरी आने का वेट करेंगे और इसको हम जो क्या करेंगे इसको ढक देंगे। ठीक है, ढक्कन दे देंगे और आँच थोड़ी सी हल्की कर देंगे। ठीक है, ताकि जो तरी है वो जल्दी से ऊपर आ जाए और हमारी जो डिश है वो मुकम्मल हो जाए। ठीक है, ये थोड़ी सी आना शुरू होगी, आप देखते होंगे जैसे। ठीक है, थोड़ी सी आना शुरू होगी। ठीक है, बस हम जब इसे ढक्कन देंगे तो फिर हमारे पास जो है वो ज़्यादा आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, चलिए जी, अब हम उठा कर देखते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने 5 मिनट इसको जो है वो ढक दिया था, आप ये आप देखिए 5 मिनट मैंने इसको हल्की आंच के ऊपर ढक दिया था। इसके बाद देखिए कितना प्यारा खूबसूरत सही जो है वो कलर इसके ऊपर आ गया, इसकी तरी जो है ऊपर आ चुकी हुई है। ठीक है, देखिए आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक, और बड़ी खुशबू बहुत मज़े की आ रही है, बहुत अच्छी है। आप भी इसे एक दफ़ा मेरे स्टाइल से ट्राई करके देखिए, आपको ज़रूर पसंद आएगी। ठीक है, इसे मैं अब डिश आउट करती हूँ। ठीक है, उसके बाद उसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ठीक है, इसे मैं डिश आउट करूँगी। बस मैंने कहा कि इसको थोड़ा सा और पका लूँ ताकि इसकी जो है ना ऑयल थोड़ा सा और ऊपर आ जाए। अगर आपने इसमें थोड़ी सी ग्रेवी ज़्यादा रखनी है तो आप इसी स्टेज पे उतार सकते हैं, क्योंकि मुझे ग्रेवी जो है वो इतनी पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं इसकी थोड़ी सी ग्रेवी जो है ना थोड़ी सी और कम कर रही हूँ। ठीक है, अदरवाइज़ ये अभी तक रेडी है बिल्कुल। ठीक है, लेकिन ये कि कुछ लोगों को ग्रेवी बहुत पसंद होती है। ठीक है, कढ़ाई की, लेकिन मुझे जो है वो ग्रेवी थोड़ी पसंद नहीं है कढ़ाई में, मुझे है कि थोड़ा सा सूखा सूखा हो जो नान के साथ मज़ा करे। ठीक है, तो इसलिए मैं इसकी ग्रेवी थोड़ी सी कम करूँगी, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी। ठीक है, ताकि फिर मैं सब फाइनल जो है वो लुक आपके सामने जो है वो लेके आऊँ। ठीक है, बस हो गया, ऑलमोस्ट डन है, ऑलमोस्ट डन। ठीक है, अब मैं इसको डिश ऑफ करूँगी और इसको जो है मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर गार्निशिंग करूँगी। ठीक है, चूल्हा मैंने बंद कर दिया। ठीक है, अब मैं जो है वो ज़रा थोड़ा सा मैं करूँगी डिश ऑफ। ठीक है, आपके सामने ही मैं डिश ऑफ करूँगी इसको, ताकि आपको जो है वो ये मेरा आ गया बर्तन। ठीक है, अब इसमें मैं इसको डिश आउट करूँगी। ठीक है, ये मेरी डिश जो है वो होगी डिश आउट। ठीक है, आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं गार्निशिंग करूँगी। ठीक है, ये मैंने सुबह मिर्ची काटी थी थोड़ी सी ट्रायंगल स्टाइल में। ठीक है, ऐसे करके मैंने ये डाल दिया। ठीक है, अदरक थोड़ी सी मैंने डाल दी, इसे मैंने जुलियन कट किया था थोड़ा सा, और
अदरक का एक छोटा सा पीस लेके मैंने इसे जुलन कट कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैं इसके ऊपर थोड़ा सा जो है वो धनिया डाल दूँगी और हल्का सा पुदीना। ये देखिए मेरी ये फाइनल लुक मेरी डिश की, ठीक है। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा, ठीक है, ताकि मेरी मज़ीद आप वीडियो जो है वो देख सकें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।